तो हेलो गाइस, वेलकम करते हैं एक नई वीडियो में आप सबका। सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्मार्टफोन को, जिनमें एक आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स जीरो 5G एंड टेक्नो पोवा 5G। सो ये दोनों इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, पर पाकिस्तान में अभी लॉन्च होने वाले हैं। सो चलिए आज की कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हमारी कंपैरिजन वीडियो क्यों देखनी चाहिए, आज हम आपको प्राइस भी बताने वाले हैं और स्पेक्स के साथ कौन सा स्मार्टफोन बेटर है और किसकी अच्छी प्राइस है वो भी आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स गो, आज की स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। सो लेट्स गो गाइस। अगर हम इन दोनों की हार्डवेयर की बात करें तो दोनों में आपको सेम मिल जाते हैं डायमेंसिटी 900 5G और दोनों 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो हार्डवेयर तो सेम ही दोनों में आपको मिल जाते हैं। पबजी सेटिंग्स भी आपको मैं बता देता हूँ, क्या आपको भरोसा नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। इसमें आपको मिल जाता है स्मूथ पे एक्सट्रीम इस हार्डवेयर में और HDR पे आपको अल्ट्रा मिल जाता है। GPU की बात करें तो दोनों में सेम है, माली G68 MC4 वाले GPU दोनों में आपको सेम ही मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम दोनों की डिस्प्ले की गाइस बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 5G में आपको LPTS डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz का, जो IPS से थोड़ा ऊपर होते हैं, मतलब आप ग्रेड डिस्प्ले होते हैं IPS से ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो टेक्नो पोवा 5G में आपको IPS मिलते हैं। दोनों की स्क्रीन साइज़ की बात करें हम तो इन्फिनिक्स जीरो 5G में आपको 6.78 का मिलता है और दूसरे में 6.9 इंच का। तो इस तरह आपको दोनों के डिस्प्ले मिलते हैं। हाँ, दोनों में 120Hz आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे परेशान होने की कोई बात नहीं। दोनों के 8GB वाले वेरिएंट हैं और 1 to 8GB वाली रोम में आपको मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त LPDDR5 मिल जाता है रैम, जो फ्लैगशिप में आपको मिलते हैं। और स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपको UFX 3.1 मिल जाता है। तो आप इन्फिनिक्स और टेक्नो ब्रांड से भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। अगर हम यहाँ पे बैटरीज की बात करें तो आपको 5000 बैटरी चाहिए और 33V की फास्ट चार्जिंग, तो यहाँ पे आप इन्फिनिक्स 05G को लीजिए। या आपको 6000 की बैटरी चाहिए 18V की फास्ट चार्जिंग, तो यहाँ पे आप लीजिए टेक्नो पोवा 5G। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे इन्फिनिक्स 05G। तो ये पहला पॉइंट है जहाँ पे इन्फिनिक्स 05G में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बैक की कैमरास की बात करें, अगर आपको इन्फिनिक्स 05G की पहली बात कर लेते हैं, 14MP मैन मिल जाते हैं, 13MP का टेलीफोटो मिल जाता है और वहाँ पे पोवा 5G में आपको 50 मेगापिक्सल मैन मिलता है 2 माइक्रो और फ्रंट पे दोनों की 16MP की सेल्फी शूटर है। तो दोनों 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और ये आपको टेलीफोटो चाहिए तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे इन्फिनिक्स 05G, क्योंकि वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, पर यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो भी मिल जाता है जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं यहाँ पे भी मैं आपको इन्फिनिक्स 05G रिकमेंड करता हूँ। अगर हम दोनों की वेट की बात करें तो इन्फिनिक्स 05G में आपको 199 ग्राम का वेट मिल जाता है और वहाँ पे टेक्नो पोवा 5G में आपको 196 ग्राम का वेट मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 ग्राम्स का आपको भारी वजन मिलता है इन्फिनिक्स 05G में। तो रिकमेंड तो मैं आपको इन्फिनिक्स 05G करूँगा स्पेक्स के लिए आज भी, क्योंकि टेक्नो का थोड़ा मतलब जो OS है उसका भी बुरा एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा इन्फिनिक्स का अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा। और अभी प्राइसेस की बात कर रहे थे दोनों की, टेक्नो पोवा 5G अभी तक तो लॉन्च नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, पर इन्फिनिक्स 05G 2 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है, ऐसे फेसबुक अपने ऑफिशियल पेज पे बोल रहे हैं। तो या हमारी वीडियो से पहले या वीडियो से बाद में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए प्राइसेस आपको बता देता हूँ दोनों। प्राइसेस ऐसी निकल के आ रही है इन्फिनिक्स 05G 48,000 और वहाँ पे टेक्नो पोवा 5G 45,000। तो प्राइसेस की बात करें तो प्राइस दोनों की एक लिहाज से 3,000 का फ़र्क है, पर स्पेक्स भी आप देख लीजिए कि इन्फिनिक्स 05G का आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है। तो रिकमेंड तो मैं आपको यही करूँगा, पर ज़्यादा फ़र्क हो तो आप टेक्नो भी लीजिए, या आपकी जेब भारी नहीं हो रही है, हल्की है, तो आप ले सकते हैं टेक्नो 5G। तो आपकी मर्ज़ी है, पर प्राइसेस दोनों की ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 के अराउंड अंदर ही दोनों थे। तो एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन बन जाते हैं, गेमिंग के लिए आपको ये अच्छे मिल जाते हैं। पोको तो अभी ये गेमिंग में चल नीचे चलने वाला है, इस बार पोको एक्स
फोर सीरीज़ का मैं बोल रहा हूँ, एफ सीरीज़ का अभी तक कोई पता नहीं है कि अच्छी प्राइस पाकिस्तान में दे दें। तो एक्स थ्री प्रो की तरह तो अभी ज़बरदस्त स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान इंडिया में नहीं मिलने वाला है, जो आईफोन था गरीबों का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे आप सीरियस इस बात को नहीं लीजिए, आईफोन था गरीबों का। तो अभी हमें पोको एक्स फोर प्रो का अभी तक न्यूज़ मिल रहा है, इसमें स्नैपड्रैगन 695 होगा। तो इस तरह की न्यूज़ कन्फर्म हो रही हैं। तो डाउनग्रेड तो आपको मिलेगा, बोला जाता है ना कुछ स्मार्टफोन कंपनी से गलती से बन जाते हैं, तो बात यहाँ पे हमें नज़र आ रही थी पोको एक्स थ्री प्रो में। तो गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।